लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें कांग्रेस के 7 सांसदों का लोकसभा से निलंबन के वापस पर फैसला लिया गया। कांग्रेस ने अपने सांसदों के निलंबन का मुद्दा आज भी लोकसभा में उठाया। पार्टी सांसदों ने इस मुद्दे पर हंगामा भी किया, जिसके कारण कार्यवाही को 2 बार स्थगित करना पड़ा। आपको बता दें कि गौरव गोगोई समेत कांग्रेस के 7 सांसदों को लोकसभा से पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया था। सांसदों ने आसान से कागज छीन कर फाड़े गए थे। इस घटना के बाद उनके खिलाफ कार्यवाही की गई थी। निलंबित होने वाले सांसदों में गौरव गोगोई, टीएन प्रतापन, राजमोहन उन्नीथन, मणिकम टैगोर, बेनी बहन, डीन कुरिकोस, गुरजीत सिंह थे। वहीं सर्वदलीय बैठक के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 4 दिन बाद सदन में पहुंचे। ओम बिरला विपक्षी सांसदों के व्यवहार से नाराज थे। वो बीते हफ्ते 3 दिन सदन में नहीं पहुंचे थे। ओम बिरला ने सदन में लौटने पर कांग्रेस समेत कई पार्टियों के सांसदों ने खुशी जताई। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि आपको ओम बिरला दोबारा यहां देखकर खुशी हो रही है। कभी कभी ऐसा कुछ हो जाता है जो हम नहीं चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि सदन की कार्यवाही अच्छे से चले। हम विरोध के मकसद से नहीं आते हैं। सांसदों के निलंबन पर उन्होंने कहा कि हो सकता है कि कुछ गलती हुई हो, लेकिन उसकी जांच होनी चाहिए। 5 मार्च को लोकसभा में 12 बजे राजस्थान के नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को लेकर टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि सोनिया और राहुल गांधी की भी कोरोना की जांच होनी चाहिए। वे इटली से आई हैं और इटली से ही सबसे ज्यादा मामले भारत में आए हैं। हनुमान बेनीवाल की टिप्पणी से नाराज कांग्रेस के कई सांसद आसन के सामने आ गए। इसी हंगामे के बीच उन्होंने आसन के कागज छीन कर फाड़ दिए। इसके बाद सदन की कार्यवाही 2 बार स्थगित की गई। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने 7 कांग्रेस सांसदों के निलंबन का प्रस्ताव रखा, जिसे स्वीकार कर लिया गया। इसके बाद पीठासीन सभापति मीनाक्षी लेखी ने 7 सांसदों से कहा कि वे सदन से चले जाएं और सत्र खत्म होने तक ना आएं। हमारे देश में ये जब दिल्ली में ये रायट्स हुई, बहुत बहुत सीरियस बात थी। लोग तो बहुत एजिटेटेड रहे और हमारे पार्टी के मेंबर्स क्या मांगते थे कि इस विषय पे चर्चा हो जाए। ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1 हफ्ते पहले ही चर्चा हो चुका है दिल्ली रायट्स के बारे में। हम कहते थे कि देखिए, हमारे पार्लियामेंट में ये होना चाहिए। अब अंत में सरकार जी के आज ही हो रहा है, लेकिन अब तो दिल्ली रायट्स के बारे में अगर चर्चा हो रही है तो जिन डिमांड करने वाले को आपने सस्पेंड किया उनको वापस आने दीजिए। तो हम सिर्फ चाहते हैं कि ये सस्पेंशन जो है, ये 7 व्यक्ति को जो हमारे पार्टी के अंक के 15% है, उनको आप हटा दिए हैं, ये चर्चा करने के लिए तैयार है तो उनको भी बैठने दीजिए, उनको भी सुनने दीजिए। तो यही बात है, यही मांग है हमारे। और इसलिए अभी स्पीकर साहब ने एक मीटिंग बुलाया है, सारे पार्टीज के फ्लोर लीडर्स को बुलाए हैं और मेरे ख्याल में अभी इसी विषय पर चर्चा होगी। तो उसने 12:30 बजे तक हाउस को रुका के 11:30 से अभी ये बातचीत चल रहे हैं। मैं शायद देखेंगे कि कुछ तय करें। हम तो चाहते हैं कि पूरा चर्चा ईमानदारी से होने के लिए इनको रिवोक करना चाहिए, सस्पेंशन को रिवोक करके इनको वापस। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.